एंगुलर एस एच एम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमने एस एच एम की वो ना लीनियर एस एच एम की लीनियर और एक होता है एंगुलर एंगुलर एग्जाम्पल देता हूं जैसे आपने एक फोटो फ्रेम ले लिया एक फोटो फ्रेम को आपने कील पे टांग दिया और टांग दी फोटो आपने उसको टेढ़ा किया और छोड़ा ये देखो ये सिंपल पेंडुलम नहीं है ये फोटो फ्रेम घूम रहा है टू एंड फ्रो ये एंगुलर एस एच एम है रोटेशनल मोशन रोटेशन है इवन सिंपल पेंडुलम भी इज अ पार्ट ऑफ एंगुलर एस एच एम उसको भी यूज किया जा सकता है क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ रोटेशन ही है लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम एंगुलर नहीं है स्प्रिंग मास सिस्टम लीनियर है क्योंकि मोशन एकदम लीनियर मोशन है स्प्रिंग ऐसे मूव करे या ऐसे मूव कर लीनियर है यूट्यूब के अंदर वाटर जो जा रहा था वो लीनियर है बॉल टनल में जा रही थी वो लीनियर है उसमें घूम कुछ नहीं रहा लेकिन जिनमें चीजें घूमती हैं टू एंड फ्रो घूमती हैं उनको एंगुलर एस एच एम बोलते हैं, हैं तो लीनियर एस एच एम में किसी भी चीज को अगर प्रूव करना है तो क्या ढूंढी जाती है Restoring force, एंगुलर में क्या ढूंढी जाएगी रिस्टोरिंग टॉर्क जो काम फोर्स करेगा उसमें कौन करेगा टॉर्क करेगा ठीक पहला पॉइंट लिख लें रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला किसी भी आप एस एच एम में देख लें वो यही लगता है एंड में एम में आप रिस्टोरिंग फोर्स ढूंढते हैं उसको माइनस एम में करते हैं ए की वैल्यू एक्स के प्रोपोर्शनल है एस हो जाता है इसके अंदर इक्वेशन क्या लगती है टॉर्क इज इक्वल टू माइनस बोलो क्या मास की जगह आई रोटेशनल मोशन भाई मोमेंट ऑफ एनर्शिया और ए की जगह एल्फा आई एल्फा तो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क क्या लगेगा माइनस आई एल्फा एस की जो इक्वेशन होती है लीनियर में जो हमने प्रूव की स्टैंडर्ड वो क्या थी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई तो अगर आप किसी भी इक्वेशन में ये प्रूव कर दें तो बॉडी एसएचएम में है. और इसके अंदर क्या बनेगी अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा ये एसएचएम की इक्वेशन है एंगुलर एसएचएम में बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है चेक कर लो जैसा इसमें चल रहा है वैसा इसमें चल रहा है ठीक है अगर आपको याद हो हमने पांच टॉपिक किए हैं अभी एनसीईआरटी के वो सब नहीं है सारे, पर मैंने एंगुलर तो कोई करवाया ही नहीं कोई भी चीज़, में तो आई नहीं अभी तो example, जैसे मान लो एक मिनट के लिए हम एक पेंडुलम लेते हैं पेंडुलम यहां पे था पेंडुलम यहां पे आ गया टू एंड फ्रो मोशन में है तो किसी भी इंस्टेंट पे पेंडुलम यहाँ पे, पे ठीक है तो अगर ये पेंडुलम यहाँ पे है मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा थीटा तो इसमें इसका जो वेट है वो क्या होगा बताओ एम किसी भी इंस्टेंट पे एम होगा ठीक है और इसमें ये अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करूँ ऐसे एक्सटेंड करूँ सपोज लेंथ ऑफ पेंडुलम एल है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा और ये क्या होगा एम जी थीटा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा हो जाएगा ठीक है हमने टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम किया हुआ है हमने कहा था अगर आपको डेरिवेशन याद हो थोड़ा सा आइडिया हो तो मैंने क्या कहा था ढूंढो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स और आपने कहा था रिस्टोरिंग फोर्स क्या है माइनस एम जी साइन थीटा करवाया था मैंने फोर्स थीटा से पेंडलम वापस आता है फिर साइन थीटा को मैंने थीटा करवाया था और कहा था कि एंगल बड़े छोटे होते हैं एस में तो ये है साइन थीटा को थीटा करके आंसर आ गया था लेकिन कोई कहता है सर ये तो सर्कुलर मोशन की ये तो इधर रोटेशनल मोशन वाला पार्ट हो गया मैंने कहा कैसे कहता देखो ये पॉइंट मास है मैं कहा है ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस एक्सिस के बहुत तो रोटेशन हो रही है ये लीनियर कहां से हुआ ये तो एंगुलर मोशन हो गया हाँ मैंने कहा एंगुलर मोशन तो हो गया बात तो सही कह रहे हैं तो फिर आपने कहता है रिस्टोरिंग फोर्स क्यों ढूंढी रिस्टोरिंग टॉर्क ढूंढ के, के दिखाओ तो ये देखो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा माइनस कौन सी फोर्स लेके आ रही है नीचे थीटा एक्सिस 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 के रोटेशन का ये axis, ये ओ पॉइंट है 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 इस के चल रहा टॉर्क का फॉर्मूला क्या था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस फोर्स क्या है एमजी साइन थीटा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या एक्सिस से एल तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है

Compare करके किसकी वैल्यू आ गई ओमेगा की ओमेगा क्या होता है टू पाई बाई टी जिसकी वैल्यू क्या है जी बाई एल तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है टू पाई अंडर रूट ऑफ एल आंसर तो वही भी, भी अच्छा प्रूफ है पॉइंट समझ में आ रहा है कि एंगुलर एस एच एम के अंदर बेसिकली कैसे करते हैं आइडिया दे रहा हूं मैं आपको करके अभी आपको प्रैक्टिस से आएगा अभी नहीं आएगा प्रैक्टिस से आ जाएगा दो चार बार करेंगे तो तो जब भी चीजें रोटेट होंगी उसमें रिस्टोरिंग फोर्स नहीं ढूंढी जाती उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क ढूंढा जाता है और उसके बाद तो टॉर्क आई एल्फा करके अपने वहां से आ जाता है